नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई तुर्की जॉब के लिए जाने वाले या अप्लाई करने वालों के लिए, अफ्रीका जॉब के लिए जाने वाले अप्लाई लोग करना चाहते हैं। जी हाँ, ये एक्स वाई जेड किसी भी देश से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। अप्लाई करने का तरीका, कौन सी ऑफिस, जी हाँ, और कैसे आप अप्लाई करते हैं। अगर नहीं करते तो ये केस आप देख सकते हैं। संजय और सिराज, जी हाँ, दो बंदे थे, उनको लगा कि यार हम विदेश जाते हैं, दुबई कतर तो क्या जाएं, कोई ठीक कंट्री जाएं। तुर्की का आजकल अच्छा एक माहौल चल रहा है, अफ्रीका का भी मेरे पास जैसी इंक्वायरी आती है तो लगता है कि लोग जा रहे हैं। जी हाँ, तो उन्होंने मन में चुल मची कि यार कोई एजेंट ढूंढे, इधर उधर देखा, फिर संपर्क कर लिया फेसबुक से, सोशल मीडिया से। जी हाँ, सोशल मीडिया से इजी हो जाता है ना, घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। उनसे संपर्क कर लिया, ऑफिस में एक बार गए, उनका देखा सिस्टम, वहाँ पे बिहार के बंदे थे, यूपी और बिहार में ये केस ऐसे ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों को भैया इधर जाना है ना, इन देशों में आप लोग सही तरीके से तो नहीं, तो आप जानकारी रखते हैं, नहीं जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि एडवाइस अगर लेते हैं तो उसका तो 2-5 हज़ार 500 रुपये खर्च करना पड़ता है, वो तो आप करोगे नहीं। सीधे एजेंट को 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये आप पकड़ा सकते हो, मेडिकल के नाम से करवा सकते हैं। संपर्क किया उन्होंने विभूति खंड एक ऑफिस नाम वहाँ, जी हाँ, वहाँ संपर्क कर लिया, अपने पासपोर्ट जमा कर लिए। एक बंदे ने 2 लाख रुपये कैश दिए, एक बंदे ने 2 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। अब कितने पैसे दिए ये तो आगे का जांच का विषय रहेगा। जी हाँ, उन्होंने ऑफिस में कांटेक्ट कर लिया, ऑफिस में कितने बंदे बैठे थे ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जी हाँ, पाल, कविता, सागर, पूनम, जी हाँ, चारूपाल, ऐसे और भी लोग थे 3-4, इतने लोगों को नाम बताया गया कि वहाँ से संपर्क किया, पैसे दिए। फिर उनको लगा कि यार चलो काफ़ी टाइम हो गया है, 20-25 दिन हो गए ऑफिस जाते, तो ऑफिस वहाँ पे गए, फ़ोन पे संपर्क कर रहे थे, फ़ोन उनके स्विच ऑफ आने लगे, बात नहीं हो पा रही, तो उनको डाउट हुआ तो वो ऑफिस गए। ऑफिस गए तो भैया मुंह लटक गया उनका, ताला लटका देख के मुंह भी लटक गया। आसपास में पूछा तो पता लगा कि ये लोग पैसा लेके लोगों का भाग चुके हैं। जी हाँ, उनका एक टारगेट था कि 150 लोगों से इतने इतने पैसे लेके 2-3-4-5 करोड़ हो जाएं तो हमें फुर हो जाना है। जी हाँ, वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। फिर वो वहाँ पे नियर में पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पे गए, उनका पुलिस ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, और ये फैक्ट बात है, आप लोगों का पुलिस भी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि पुलिस सपोर्ट करेगी तो उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा, FIR करनी पड़ेगी, जाँच करनी पड़ेगी, वो तनख्वाह थोड़ी लेते हैं, वो उस चीज़ की तनख्वाह थोड़ी लेते हैं, वो तो आराम से बैठने की तनख्वाह लेते हैं, तो उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया। फिर वो गए एडवोकेट के पास, कोर्ट से इस्तीगासा किया। जी हाँ, कोर्ट ने फिर लिखित में आदेश दिया किसको, नियर पुलिस स्टेशन में, कि इनकी जांच करो FIR दर्ज करके, तब जाके इनकी जांच FIR दर्ज हुई। और जांच में क्या होना भाई, ढाक के 3-5 होने वाला कुछ नहीं है। मैं बता दूं आपको, जिन अकाउंटों में पैसे लिए वो किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट नंबर थे, उनके नहीं थे, क्योंकि जिनका ये प्लान होता है कि हमें 50-60 लोगों से 2-4 करोड़ रुपये लेके भागना है, वो लोग खुद का अकाउंट नंबर नहीं देते हैं, नहीं उनके नाम से सिम होती है, कुछ भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, नाम भी उनके डुप्लीकेट होते हैं। ये जो नाम लिखा है करपाल, कविता, सागर, पूनम वगैरह, ये ओरिजिनल नाम नहीं है, ये तय बात है, जहां तक मुझे लगता है। जी हाँ, और ये लोग भाग गए, पुलिस उनकी जांच करेगी, क्या नतीजा निकलेगा। तो कहने का बार बार आपने हर वीडियो में बोलता हूं भैया, ये बुक या तो आप अपने स्तर पे काम करो, या फिर ये बुक है ना, इसमें वो सब बातें हैं जो इन जैसे ठग लोगों से बचाती है, लेकिन इसकी कीमत है 700 रुपये। ये बड़ी रकम है भैया, आप लोग नहीं खरीद पाओगे इसको, क्योंकि एजेंट विदेश जाने वाला 1 लाख रुपये खर्च कर दोगे आप, ये किए हैं ना यहाँ पे, ये ओरिजिनल केस है। अगर आप बिहार यूपी से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करना, अगर इसके रिलेटेड कोई जानते हैं तो। इस बुक में मान्यता प्राप्त ऑफिस, कौन से देश का, कैसे अप्लाई करें, कहाँ मेडिकल होता है, सब कुछ है, लेकिन ये 700 रुपये बड़ी रकम लगने लग जाती है, एजेंट को आंख बंद करके आप लोग पैसा दे देते हैं। तो हमेशा मैं तो बार बार बोलता हूँ भैया, आप इस बुक में वो सब कुछ है जो आपके नियर में 100-150 किलोमीटर की एरिया में आपको मैन पावर ऑफिस मिलेगी, गवर्नमेंट अथोराइज, वो कम से कम ऐसा तो नहीं करेंगे, काम नहीं होगा तो आपका पैसा देना पड़ेगा उनको, आपको पासपोर्ट लौटाना पड़ेगा, लेकिन इतनी तो नहीं कि ताला लगा के भाग जाएंगे, ऐसा तो वो नहीं कर सकते। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमेशा मैन पावर ऑफिस से ही अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय